राम राम भाई लोगो, मेरा नाम है जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। आज वापस लेके आ गया मैं, क्या लेके आ गया? बीट नंबर 3, बीट मेकिंग चैलेंज सीरीज की बीट नंबर 3। दो बीट पहले आ चुकी है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी आ रहा होगा। और भाई अब लेके आया हूँ तीसरी बीट, क्योंकि मैंने 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 चैलेंज लिया है कि 7 दिन में 7 बीट बना के दिखाऊंगा। तो भाई ये जो चैनल है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिखाता हूँ एफएल स्टूडियो में बीट वीट बनाना और हिप हॉप बीट, ईडीएम बीट, कई टाइप की बीट और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कैसे अपने साउंड को एडिट कर सकते हो और बीट बना सकते हो। और पुराने हो तो भाई लाइक करो और शेयर करो। तो सबसे पहले आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये कि मैं जो है हमेशा की तरह से बीट पूरी बनाता हूँ आइडिया से लेके लास्ट फिनिश करने तक। आज मैं बीट बना चुका हूँ पहले और मैं दिखाऊंगा कैसे बनाइए। और ये मैंने इसलिए किया है ताकि टाइम ज़्यादा ना खराब हो और आराम से बीट भी दिखा सकूँ और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देख लो, तो वीडियो भी छोटी होगी और मज़ा भी बहुत आएगा। और आज क्योंकि बीट पहले बन चुकी है इसलिए मैं पहले बीट सुनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे बनी है, क्या बनी है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई अरेबिक टाइप की बीट बनाओ, तो मैंने सोचा चलो वैसा कुछ बनाते, तो मैंने कोशिश की है। सुनो और फिर दिखाता हूँ कैसे बनाइए। चलो तो भाई ये थी सैंपल बीट का। और अब देखते हैं ये बीट कैसे बनी है। तो देखो ये कुछ ऐसे चालू होती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर थोड़ा सा कुछ कटता है, पटता है, आगे जाता है और इसे बीट समाप्त हो जाती है। तो चलो दिखाता हूँ मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या क्या यूज़ में लिया है। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपने ड्रम्स के साथ में। तो ड्रम में देखो भाई ये जो है ये है ड्रम, अपने ड्रम में सुनाता हूँ किस तरीका पैटर्न है ड्रम्स का। तो बाकी चीज़ों को मैं कर देता हूँ म्यूट, यहाँ से मैंने किया म्यूट। और अब सुनो ये है अपने ड्रम्स, चलो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बार पे ताकि ये सीधा सीधा आए। अब सुनो, अच्छा कुछ चल रहा है, इसको बंद करते हैं। तो ये ड्रम के लिए मैंने क्या काम में लिया है, मैंने लिया है एक तो किक काम में, जो कि ये है ब्रोकन किक। इस किक का पैटर्न सुनो कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसके बाद में इसके पास साथ में है बोकन किक, ये तो वो वाला किक है, और साथ में है ये 3 किक के पैटर्न, और साथ में ये हाई हेट का पैटर्न है। सुनो इसको, ये कैसे बनाया मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नॉर्मली जो फिल इच 2 स्टेप करते वो मैंने पहले किया और फिर पियानो रोल में मग गया, उसके बाद मैंने सबको लंबा खींचा और फिर देखो यहाँ पे मैंने काट दी इनको। काटते कैसे हैं ये देखो, इसको मैंने किया था 1/3 पे और फिर मैंने कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल यू दबाता हूँ तो ये कट जाती है। ओके ऐसे काट सकते हैं। तो इनको तो मैंने इसी में रखा है, बाकी इनको मैंने मैन्युअली काटा और थोड़ा सा नीचे के ऑक्टेव में दे दिया ताकि देखो साउंड थोड़ा सा अलग करती है। सुनना, तो थोड़ा ग्रूव सा है, थोड़ा अलग सा फील है, इसलिए मैंने इनको नीचे के ऑक्टेव में डाल दिया। उसके बाद में क्या है मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद में स्नेयर है, स्नेयर नॉर्मल स्नेयर सुनो। थोड़ा सा इस पर रिवर्ब लगा हुआ है, ये सैंपल पे पहले से लगा हुआ था, मुझे अच्छा लगा मैंने डाल दिया। उसके बाद एक और स्नेयर लगाया मैंने 808 स्नेयर, ये सुनो। और इसके बाद में हाई 8 ओपन यानी ये वाली, और ये सब चीजें मिलके साउंड कैसा करती है इस प्रकार से। उसके बाद मैंने थोड़ा 808 पैटर्न बनाया, देखो ये नीचे 808 है, 808 सुनना। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने थोड़ी स्लाइड दी है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एफ नोट लिया, ठीक है,
और फिर उसको स्लाइड किया ए पे। स्लाइड कैसे करते हैं, नॉर्मल जो नोट होता है ये नॉर्मल नोट है, अब स्लाइड कैसे, इस पे देखो नीचे या कोने में स्लाइड का ये आता है ना निशान सा, ये आ रहा है, इसका मतलब स्लाइड नोट है। तो स्लाइड करेंगे कैसे, जस्ट डबल क्लिक करो और फिर ये वाला स्लाइड का बटन है, इसको एक्सेप्ट दबाओ, तो ये स्लाइड नोट बन गया। यानी ये नोट चलेगा, फिर ये इस पर स्लाइड होगा, फिर आगे इस पर स्लाइड होगा, और फिर नीचे वाले पे स्लाइड हो जाएगा इस पर, और उसके बाद में मैंने नॉर्मल जो ओरिजिनल नोट है उस पर लेके आ गया। तो सुनो कैसे साउंड करता है, तो यहाँ से स्लाइड हुआ यूँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर मैंने भाई बी नोट लिया है और इसको फिर मैंने और स्लाइड नोट डाला यहाँ पे, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे एफ आया, फिर से स्लाइड नोट, नीचे स्लाइड नोट, ऊपर स्लाइड नोट। ये स्लाइड नोट डालने से थोड़ा सा देखो अलग सा फील आता है, सुनना। पर मैंने देखो यहाँ स्लाइड नोट डाला है और ये नॉर्मल नोट रखा है, तो इस तरीके से 808 का पैटर्न जो है वो बनाया गया है। और अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो है इंस्ट्रूमेंट्स कौन से काम में लिए हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल एक नोट पे चलती है, ये देखो इसको देखते हैं क्या चीज है, ये है अपना कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सकूरा, सकूरा में की बल्लाड डीएस ये नाम का इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैंने लिया और नॉर्मल मैंने एफ पैटर्न पे ये कुछ बनाया पैटर्न, एफ नोट पे देखो एक ही नोट चल रहा है बार बार में। और इसके साथ में मैंने क्या लिया है नीचे, ये देखो ये मेलोडी बनाई मैंने, ये भी मैंने सकुरा ही लिया, सकुरा ही काम में लिया, क्योंकि जो अरेबिक टाइप के साउंड है सकुरा में मस्त मस्त लगे मेरे को, तो मैं सकुरा ही काम में लेता हूँ। इसका देखो कुछ ऐसा पैटर्न, ये देखो ओवरलैप कर रहे हैं नोट, ओवरलैप क्योंकि ये मैंने, क्योंकि मैंने इसमें पोर्टामेंटो चालू किया। पोर्टामेंटो क्या होता है भाई, सुनो एक बार, तो पोर्टामेंटो के साथ सुनो फिर बंद करके सुनाता हूँ, पता चलेगा क्या होता है। इसका मतलब इस नोट से इस नोट पे जाएगा तो ऐसे ऐसे एकदम इजी जाएगा, अचानक से नहीं जाएगा। अब जो पोर्टामेंटो कहाँ चालू होता है, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखो ये पोर्टा मैंने चालू किया हुआ है, ठीक है। इस पोर्टा को अगर बंद कर दूंगा तो देखो कैसा साउंड करेगा, तो थोड़ा वैसा मतलब ऐसे स्लाइड स्लाइड वाला फील नहीं आता, स्लाइड यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हो पोर्टामेंटो का, तो उसके बाद थोड़ा फील आता है, चौं 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 ऐसा आता है ना, ये पोर्टामेंटो से आता है। उसके बाद मैंने इसी को सेम नोट को लेयर किया दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, सुनो ये भी सकुरा का इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर वाला ये इंस्ट्रूमेंट है सिंथ विंटेज सॉर्ट डीएस, और ऊपर वाला जो था इंस्ट्रूमेंट ये था गिटार कॉर्ड 2 डीएस, ओके। और फिर मैंने एक और इसको लेयर किया नीचे एक और इंस्ट्रूमेंट पे, सुनो ये भी सकुरा ही है, ऑल सकुरा काम में लिया गया यहाँ पे, ये है बेल वुडन ट्यूबर डीएस, इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए नीचे एक ये अलग सा एक काउंटर मेलोडी टाइप कुछ बनाया, सुनो। तो ये हो गई काउंटर मेलोडी अपनी, ये भी मैंने सकुरा में ली है, ये है एलडी ओल्ड स्कूल, तो सारे मिलके कैसे साउंड करते हैं सुनना। ऐसे साउंड कर रहे हैं और मैंने किया क्या है, देखो एक और चीज़ की है मैंने, यहाँ से मैंने इनकी आवाज़ वॉल्यूम कम किया, अगर फुल वॉल्यूम पे रखेंगे तो ये बड़े तेज़ साउंड कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से इनकी देखो वॉल्यूम किसी की कितनी है किसी की कितनी, सबकी अलग अलग मैंने की। और उसके बाद मैंने सबको राउट किया चैनल पर, जैसे दिख रहा है मिक्सर पर राउट होता है, फिर मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग में देखो अपने हिसाब से जो अच्छा लगा उतने साउंड को उतने पर रखा, वॉल्यूम सबकी चेंज की, मिक्स किया, और उसके बाद में लगाया है EQ। तो ये देखो इस पर किक का मैं एक बताता हूँ तुम लोगों को, देखो किक का एक ट्रिक बताता हूँ जो बहुत कम लोग बताएंगे, ये किक सुनो ट्रिक के साथ और बिना ट्रिक के। अभी देखो ये वाला किक है, किक पैटर्न ये रहा, सुनो किक देखो एकदम पंची किक लग रहा है, सुनना। लेकिन ये किक इतना पंची है नहीं, ये हुआ कैसे, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे किक रहा है, ये देखो ये एक तरीके का एम्पलीफायर है क्लिक का, है ना, प्री एम्प है, इसको अगर मैं रिसेट कर दूं तो सुनना किक में पंच नहीं रहेगा, ये थोड़ा कम पंची हो गया। लेकिन इसको मैं अगर खोल दूं तो सुनना ये बात, लेकिन इसको खोलो तो एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि इससे क्लिप हो सकता है, तो सबसे पहले अगर ऐसा काम करो तो यहाँ पे सॉफ्ट क्लिपर लगा दो, ये क्लिप नहीं होने देता, मतलब क्लिपिंग का साउंड आएगा जो अच्छा लगता है डिस्टॉर्शन थोड़ा सा, लेकिन ये सॉफ्ट क्लिपर उस डिस्टॉर्शन को क्लिप होने से रोक देता है। सुनो किक ऐसा साउंड करने लग गया, और फिर मैंने लगा दिया भाई EQ। EQ में देखो किक की है ना, मैंने कहाँ तक काटी हुई है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इधर देखो इस साइड में आता है 36
और 40 तक काट सकते हो आराम से, किक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इधर की थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी काट सकते हो ताकि हमारे जो हाई एट आती है उसके लिए हमारे पास बच जाए। और उसके बाद में मैंने सब पे इक्यू लगाया, जैसे ये अपना हाई एट है तो हाई एट में देखो मैंने लो और मिड काट दिया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है हाई एट पर इस चीज़ की। और उसके बाद में ये स्नेयर है, स्नेयर पर भी मैंने सॉफ्ट क्लिपर लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने स्नेयर की भी यहाँ से जो है वॉल्यूम ओपन की हुई थी। ठीक है, तो ये सॉफ्ट क्लिपर लगाया है, ईक्यू लगाया है, ईक्यू में मैंने बेस के जो है फ्रिक्वेंसी को काट दिया ताकि सारा क्लैश ना हो आपस में। और फिर यही यूं ही देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट पे ईक्यू लगाया हुआ मैंने। ईक्यू लगाने का एक सरल तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या चीज़ है, ये वाला चलाता हूँ मैं सेकेंड नंबर का, ये वाला, ये बज रहा है। ओके, अब ईक्यू करने का एक सरल तरीका ये है कि ये प्रीसेट डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं इसको डिफॉल्ट। ठीक है, ये मान लो ये है इंस्ट्रूमेंट, इसको ईक्यू करना है। अब देखो इधर बेस में जो है बिना मतलब की फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो करना क्या, प्रीसेट में जाओ और इसको सेलेक्ट करो 20 हर्ट्ज़, 18 किलो हर्ट्ज़ को, और फिर इसको अपने को रोल आउट करना है तब तक जब तक कि साउंड ना बदलने लग जाए। साउंड बदलेगा तो फिर धीरे धीरे वापस बैक आएंगे, सुनना। अब देखो यहाँ पे साउंड चेंज होने, पतला हो गया तो फिर से बैक आएंगे। यहाँ तक साउंड सही चल रहा है तो यहाँ तक रखेंगे। अब इधर से भी यही काम करेंगे, देखो अब ये मड्डी सा हो गया तो फिर से रहेंगे, तो ये ईक्यू हो गया। ओके, इस तरीके से मैंने ईक्यू किया सबको, सब पे ईक्यू लगाया हुआ देखो, और कहीं पर स्टीरियो सेपर लगाया थोड़ा सा विड्थ देने के लिए, थोड़ा ही किया, ज़्यादा नहीं किया, देखो एकदम सटल है। और उसके बाद में मेरे प्यारे मित्रों ये बीट जो है सारी बन के हो गई तैयार, और फिर साउंड करती है कुछ इस तरीके से, सुनो। और मैंने देखो मास्टर चैनल पे क्या लगाया, मैं दिखाता हूँ, मैंने साउंड गुडाइजर लगाया, ये थोड़ा सा देखो थोड़ा सा वेरिएशन देता है साउंड में, सुनना, ये बिना साउंड गुडाइजर के और ये साउंड गुडाइजर साथ, तो थोड़ा सा ये हाई फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सेचुरेशन सा देता, तो मैं लिटिल बिट लगाता हूँ कभी कभी। और उसके साथ मैंने वी ईक्यू लगाया है, ये वेव्स का ईक्यू है, ये मैंने क्यों किया है, देखो 15 हर्ट्ज़ पे मैंने थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बूस्ट की 1 dB, तो इससे भी थोड़ा सा ऐसे ओपन होता है मिक्स, सुनना। सटल फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी हाई एंड थोड़ा ओपन हो जाता है। उसके बाद आई एम पुसर स्टीरियो, इसमें जो है मैंने मास्टरिंग का पंची मास्टर काम में लिया है, इसकी जगह वेव्स वो मैक्सिमस भी काम में ले सकते हो, सुनना, ये बिना इसके, ये इसके साथ। इस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी बीट है बनके हो गई है तैयार, जो कि अरेबिक टाइप की थोड़ी सी फील है इसमें। तो अब बीट फिर से चलाता हूँ, सुनो, मज़े करो। और भाई जो हमेशा मैं कहता हूँ, बीट बनाते रहो, मज़े करते रहो। अब ये बीट आ रही है सामने, 3 2 1 गो।